गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा सिक्स क्लास सिक्स का लेसन सेवन पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर 39 पर आप देख लीजिए या फिर आप इसमें मोबाइल में देखकर भी पढ़ सकते हैं। लेसन सेवन और लेसन का नाम है द रेस यानी कि दौड़। ऑल मीन सभी, द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, या फिर इनका गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अर्थ होता है शासकीय सरकारी, मिडिल स्कूल यानी कि स्कूल में हैव यानी में असेंबल्ड यानी कि इकट्ठे, असेंबल्ड का अर्थ होता है इकट्ठा, और यानी कि पर द ग्राउंड यानी कि मैदान में, यानी कि सभी बच्चे शासकीय यानी कि सरकारी स्कूल के सभी बच्चे एक मैदान में इकट्ठे होते हैं। द एनुअल, एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक, स्पोर्ट्स यानी खेल, डे यानी कि दिन, इज यानी कि है, बीइंग यानी कि होना, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाते हैं, इन यानी में, द स्कूल यानी कि स्कूल में, यानी कि वार्षिक जो खेल होता है वो क्या करते हैं उस दिन स्कूल में मनाते हैं। द 200 यानी कि 200 मीटर रेस, उसमें उस दिन क्या होता है 200 मीटर की रेस होती है। इज यानी है अबाउट यानी के बारे में, टू यानी कि से स्टार्ट यानी कि होने वाली थी, उस दिन क्या होने वाली थी 200 मीटर की रेस होने वाली थी। देयर यानी कि वहां, आर यानी कि है सिक्स यानी कि छह गर्ल्स यानी लड़कियां, स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई थी, इन यानी में, एरो यानी कि कतार में, एट द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का अर्थ शुरू होने जा रही थी, लाइन यानी कि जो रेखा, यानी कि वे सभी लड़कियां, छह लड़कियां वहां पर एक ही कतार में खड़ी हुई थी जहां पर वो 200 मीटर की रेस शुरू होने वाली थी, उस प्ले ग्राउंड में वो लड़कियां खड़ी हुई थी। आर यानी कि सभी, द गर्ल्स यानी कि लड़कियां, एक्सपेक्ट यानी कि छोड़कर, मीना, आर यानी कि है टाल मिस लंबी, जो लड़कियां थी मीना को छोड़कर सभी क्या थी वहां पर लंबी थी, स्ट्रांग यानी कि मजबूत थी, एंड यानी कि और, वेल बिल्ड यानी सशक्त थी मतलब अच्छी शक्तिशाली थी, बट लेकिन मीना इज यानी है थी यानी दुबली, एंड मिस और शॉर्ट यानी कि छोटी, लेकिन मीना क्या थी छोटी भी थी और दुबली भी थी। द अदर, दूसरी गर्ल्स लड़कियां, टोल्ड कहती है हर उससे, हर यानी उसके, देड यानी कि शी यानी वहा, हेड यानी कि हेड नो यानी कि नहीं, चांस यानी अवसर, आप यानी का विनिंग यानी जीतने का, वो लड़कियां उससे कहती है कि तुम नहीं जीत सकोगी यानी कि तुम ये अवसर जीतने का अवसर नहीं, मतलब तुम हार जाओगी और तुम जीत नहीं पाओगी। आई कैन रन, मैं सकती हूँ, मैं मतलब रन मिस दौड़ना, मैं दौड़ सकती हूँ, सेड ने कहा मीना, मीना ने कहा कि मैं दौड़ सकती हूँ, एंड और आई विल, और मैं दौड़ूंगी। द गेम्स, खेल, टीचर, जो गेम्स टीचर है गिव्स देते हैं द सिग्नल यानी कि संकेत, एंड मिस और द रेस यानी कि दौड़ बिगिन से शुरू करते हैं, जैसे वे सिग्नल देते हैं वे सभी क्या करती है दौड़ शुरू करती है। फाइव गर्ल्स, पांचों लड़कियां, आर यानी है एहिड यानी आगे है, बट मीना इस लास्ट, इस यानी है लास्ट यानी आखिरी, लेकिन मीना क्या है आखिरी में है। शोभा इस यानी है ट्राइंग यानी प्रयास, टू यानी से रन मिस दौड़ना, वेरी यानी बहुत फास्ट मिस तेज, शोभा जो है अधिक तेज दौड़ने का प्रयास करती है, बट लेकिन शी वहा सडनली अचानक ही लॉसेज खो देती है, हर उसका बैलेंस यानी संतुलन, एंड यानी कि और फाल से गिर जाती है, डाउन यानी कि नीचे, वो अपना संतुलन खो देती है और क्या करती है नीचे गिर जाती है। शी यानी वहा, इज यानी है आउट यानी बाहर, ऑफ यानी का, द रेस यानी कि दौड़ से, और वो दौड़ से बाहर हो जाती है क्योंकि वो गिर जाती है तो उसे बाहर कर देते हैं, अपने भी गेम का एक रूल होता है ना, जो हार जाता है उसको बाहर कर देते हैं, तो वैसे ही वो बाहर हो गई। नाउ अब रानी इज लीडिंग, लीडिंग यानी कि आगे बढ़ती है, शी मतलब आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, शी यानी वहा, इज यानी है वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, अब रानी है वो आगे बढ़ती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। शी यानी वहा, लिव्स यानी छोड़ रही है, बिहाइंड यानी पीछे, आल यानी सभी को, द अदर यानी दूसरी गर्ल्स यानी लड़कियां, बट यानी लेकिन, इन यानी में, हर यानी उसके, जो यानी खुशी का, शी यानी वहा, स्लो यानी का धीमी गति का, डाउन यानी कि डाउन मीन्स धीमी, क्या करती है वो सभी को क्या करती है पीछे छोड़ देती है जो दूसरी लड़कियां हैं, और वो खुश हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो सब धीमी गति से चल रही है इसलिए वो क्या करती है खुश हो जाती है। मीनवाइल इसी बीच अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियां ट्राई प्रयास करती है, टू यानी कि से, टेक यानी कि बढ़त, द लीड यानी आगे, इसी तरह दूसरी लड़कियां आगे बढ़ने का प्रयास करती है। नाउ यानी कि अब रानी, रानी इज, रानी है वे यानी कि पीछे, बिहाइंड यानी कि उनके, अब रानी क्या होती है उनके पीछे हो जाती है, क्योंकि क्या करती है वो तेज जब दौड़ती है तो वो सोचती है सब पीछे रह के धीमी गति से आ रही, उस खुशी खुशी में वो क्या करती है वो पीछे रह जाती है। अब आप पेज टर्न कर लीजिए और पेज नंबर 40 पर आ जाइए। लुक, देखो लता, लता इज है लीडिंग आगे, देखो लता आगे है, शी यानी वहा, इज यानी है रनिंग यानी दौड़ रही है, पॉइंट
स्टेडीली दृढ़ता से, वो दृढ़ता से तेजी से दौड़ रही है। हर यानी उसके फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, उसके दोस्त आर है क्लैपिंग, ताली बजा रहे एंड और चेयरिंग प्रोत्साहित, हर उसको उसके जो फ्रेंड है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। द ग्राउंड मैदान इज है ए एक बीट स्लीपली, फिसलन वाला जो मैदान है वो क्या है, फिसलन वाला है। लता इग्नोर, उसको इग्नोर कर देती है यानी कि अनदेखा कर देती है। दीज यानी यहाँ एंड मिस और इज यानी अबाउट यानी के बारे में, टू यानी कि से फॉल यानी गिरना, डाउन यानी कि नीचे, जो फिसलन भरा मैदान था लता क्या करती है उसको इग्नोर करती है और वो क्या हो जाती है वहां पर गिर जाती है। आफ्टर ए फ्यू, आफ्टर यानी कि ए फ्यू यानी कुछ मोमेंट्स यानी पल, कुछ पल के बाद, आफ्टर यानी बाद में, ए फ्यू यानी कुछ मोमेंट यानी पल, कुछ पल के बाद शी यानी वह रिगेंस यानी शक्ति, हर यानी उसकी स्ट्रेंड यानी कि करती है, एंड मिस और स्टार्स यानी शुरू, रनिंग यानी दौड़ना, अगेन यानी कि फिर से, वो फिर से दौड़ना कुछ पल के बाद फिर से दौड़ना शुरू करती है। नाउ यानी कि अब शी यानी वहां इज यानी है वेल यानी कि अच्छा, बिहाइंड यानी पीछे, द अदर्स एंड दूसरी, वो क्या करती है दूसरी लड़कियों को पीछे छोड़ देती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अंटिल, अंटिल मिस होता है जब तक, नाउ यानी कि अब तक, नाउ यानी अब, अंटिल मिस तक, अब तक, निर्जा वाज यानी था, वती वे यानी कि वे तरीका, बिहाइंड यानी कि पीछे, बट मिस और नाउ यानी कि अब, शी यानी वह ट्राइज प्रयास करती, हार्ड यानी कठिन, एंड मिस और टेक्स यानी लेती है, द लीड यानी आगे, अब जो निर्जा है वो सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। शी यानी वह इज यानी है क्यूरियस यानी जिज्ञासा अबाउट यानी के बारे में, द अदर यानी दूसरी, टू यानी कि दो रनर्स यानी कि धावक होते हैं या जो दौड़ने वाले होते हैं उनसे, उन दोनों से वो मतलब जिज्ञासा होती है और उन दोनों से आगे बढ़ती है। सो यानी इसलिए, शी यानी वह लुक्स यानी देखती है, बेक यानी पीछे, एंड मिस और दीज यानी यहाँ गिव्स यानी देती है अदर्स यानी कि दूसरों को चांस यानी कि मौका, मौका भी होता है और अवसर भी होता है, टू यानी कि से गो यानी कि जाना, एहेड एंड आगे बढ़ने का, और जैसे वो पीछे देखती है उन दोनों को वो आगे बढ़ने का मौका दे देती है, क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, अगर हम पीछे देखते हैं तो क्या होता है हम लोग हार जाते हैं और जो पीछे वाले वो आगे आ जाते हैं। माला नाउ अब गेट्स प्राप्त करती है द चांस, मौका टू लीड, आगे बढ़ने का, अब माला प्राप्त करती है आगे बढ़ने का मौका। शी यानी वह इज यानी है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड मिस और वेल यानी कि वेल बिल्ट यानी कि वो सशक्त यानी कि शक्तिशाली है। शी यानी वह इज यानी है कॉन्फिडेंट यानी विश्वास, आप यानी कहा विनिंग यानी जीतने का, द रेस यानी कि दौड़, उसे विश्वास है कि वो रेस जीत जाएगी। शो तो यानी इसलिए शी यानी वह बिगिन यानी शुरुआत करती है, टू यानी से रन यानी दौड़ने का, केयरलेसली यानी कि असावधानी से, यानी कि केयरलेसली यानी कि होता है असावधानी से वो दौड़ने का मतलब सावधानी से दौड़ने असावधानी से दौड़ने का प्रयास करती है। ये केयरलेसली हो गया ना, एल वाई लग गया यानी कि वो असावधानी से, यानी कि असावधानी से वो दौड़ने का प्रयास करती है। लू यानी देखो, एड यानी पर मीना, एड यानी को मीना यानी मीना को देखो। शी यानी वहां आवाज यानी थी, रनिंग यानी दौड़ रही थी स्लोली यानी कि धीरे मतलब धीमी गति से, बट यानी लेकिन स्टेडीली यानी कि लगातार, लेकिन मैंने क्या कर रही थी वो लगातार दौड़ रही थी, धीरे धीरे धीमी गति से दौड़ रही थी। नाउ यानी कि अब शी यानी वहां इज यानी ट्राइंग यानी प्रयास, हार्ड यानी कठोर, एंड मिस और इज यानी है मूविंग यानी गति, फास्ट यानी तेज, अब वो मतलब जीतने का मतलब वो प्रयास करती है दौड़ने का और गति करती रहती है। शी यानी वह पुट्स यानी रखना, इन यानी में आल यानी सभी, हर यानी उनके स्ट्रेड यानी शक्ति, यानी कि वो देखती है उन सबको कि वो सब क्या है शक्तिशाली है, इसलिए वो क्या करती है धीरे धीरे दौड़ने का प्रयास करती है। डियर यानी वहा यहाँ वहा है मीना इज यानी है द विनर यानी की विजेता, आप द रेस यानी उस दौड़ की, और क्या हुआ उस दौड़ की वो विजेता हो गई क्योंकि वो धीरे धीरे दौड़ रही थी और ये सब तो कोई गिर गई, कोई पीछे देखने में रह गई, कोई ज्यादा उत्सुकता में रह गई और ये क्या हो गई जीत गई। द होल भीड़ क्राउड चिल्लाई चीयर्स, इन्हें प्रोत्साहित किया हर यानी उसको, सभी भीड़ चिल्ला कर क्या करा उसको प्रोत्साहित किया, अवार्ड यानी कि क्या ए प्लीजेंट यानी आनंद, सरप्राइज यानी कि खुश होकर वो सब आश्चर्यचकित होकर और आनंद में हो गए। द हेड मिस्ट्रेस यानी कि वहां की जो अध्यापिका थी, कॉन्ग्रेचुलेट्स हर, उन्होंने क्या करा उनको मीना को क्या करा कॉन्ग्रेचुलेशन की बधाई देते ना अपन, तो उसने बधाई दी। मीना इज है वेरी हैप्पी, मीना बहुत खुश है टुडे, आज शी वहा हैज यानी थी प्राउड यानी गर्व, देट यानी कि इवन यानी प्रत्येक को एश्योर्ड यानी सभी छोटे एंड
ए शॉर्ट यानी छोटी, एंड यानी और, थिन यानी दुबली, गर्ल यानी लड़की, कैन यानी शक्ति है, डू वंडर्स यानी आश्चर्य, यानी कि ये छोटी दुबली पतली लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। शी यानी वहा, इज यानी है, अवार्डेड यानी कि अवार्ड द ट्रॉफी यानी कि उसको पुरस्कृत किया, ट्रॉफी से उसको पुरस्कृत किया, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई दी मीना मीना को। सी देखो हाउ कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मविश्वास जो अपने ऊपर होना चाहिए, अपने अंदर सभी सभी में होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम में आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फाइनली यानी अंत में, लेट से ना आगे बढ़ती, यू यानी तुम, टू सक्सेस नहीं मतलब तुम सफल हो गई, देखो तुम में आत्मविश्वास था तो इसलिए वो सफल हो गई। इस मीना को देखकर हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमारे अंदर हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। अब देखिए पेज नंबर 41 पर, वर्ड पावर शब्द, रीअरेंज द लेटर टू स्पेल द नेम ऑफ गेम्स, यहाँ पर आपको गेम के नाम लिखने हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर यानी कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं और आउटडोर यानी कि जो घर के बाहर खेले जाते हैं, उन दोनों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, अलग आपकी उल्टी सीधी है तो इसको सही लिखना है। जैसे कि एच ई एस लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर चेस लिखा है, उसी तरह यहाँ पर लूडो, टेबल टेनिस, ये टी ए बी एल ई टी ई एन आई एस टेबल टेनिस, कैरम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, ये जो गेम थे ये इंडोर गेम्स और ये वाले गेम आउटडोर्स यानी जो बाहर खेलते हैं। अब आप पेज टर्न कर लीजिए और पेज नंबर 42 पर आ जाइए। राइट वेदर द फ्लोविंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, लिखो क्या करना है आपको, ट्रू और फॉल्स, ट्रू का अर्थ होता है सही और ट्रू का अर्थ होता है सही और फॉल्स का अर्थ होता है गलत। नंबर एक, मीना इज टाल, मीना है लंबी, स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड और वेल बिल्ट यानी कि सशक्त है। मीना लंबी है और स्ट्रॉन्ग मजबूत है और सशक्त है क्या, नहीं, तो यहाँ पर आपको एफ लिखना है। दूसरा, रानी लोसेस, रानी खो देती है हर उसका बैलेंस यानी संतुलन, एंड मिस और फॉल्स यानी गिर जाती है डाउन या नीचे, रानी उसका संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है, तो ये आएगा एक गलत क्योंकि संतुलन तो शोभा ने खोया था रानी ने नहीं। तीसरा देखिए, निर्जा लुक्स, निर्जा देखती है बैक पीछे एंड और लॉसेस हर लीड और आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो खो देती है, तो ये टी यानी कि सही है, निर्जा ने पीछे देखा और अपना मतलब आगे बढ़ने का जो मौका था वो उसने गवा दिया। चौथा देखिए, माला रन, माला दौड़ती है केयरलेसली असावधानी से, माला असावधानी से दौड़ती है तो हाँ इसमें टी आ जाएगा क्योंकि माला ही थी जो असावधानी से दौड़ रही थी। अगला देखिए, द होल यानी कि संपूर्ण या सभी बोल सकते हैं हम, क्राउड यानी चिल्ला भीड़, चीयर्स यानी चिल्लाती है माला, सभी भीड़ माला को प्रोत्साहित करती है मतलब चिल्लाती है, तो ये भी टी आ जाएगा क्योंकि सभी भीड़ ने माला को इसमें आ जाएगा, नहीं माला को नहीं, माला को नहीं, वो तो उसको मीना कुछ प्रोत्साहित कर, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, ये एफ लिखना आप है ना, ये टी गलत है यहाँ पर, ये एफ आ जाएगा। तो 1, 2 और 5 वाला आपका एफ रहेगा और 2, 3 और 4 वाला आपका सही रहेगा। अब इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए, हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए क्लास 6 लेसन 7 क्वेश्चन नंबर 1, वाह यानी कि क्यों है, मैंने था द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आप मैंने कहा द गवर्नमेंट शासकीय मिडिल स्कूल असेंबली इकट्ठे हुए ऑन यानी कि मैं द प्ले ग्राउंड में, यानी कि सभी बच्चे जो थे वो सभी प्ले ग्राउंड में क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमें पता है वहां पर एनुअल फंक्शन चल रहा था इसलिए। तो स्टूडेंट्स विद्यार्थी है वैसे हम इकट्ठे हुए फोर के लिए द एनुअल यानी कि वार्षिक स्पोर्ट्स यानी गेम डे यानी कि दिन इन यानी मे द स्कूल यानी कि वार्षिक उत्सव का जो खेल दिन था इसलिए वो वहां पर इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, वर्ड मीन्स क्या, इवेंट्स यानी घटना, इज यानी है अबाउट के बारे में, टू बिगिन यानी शुरुआत यानी कौन सी घटना के सबसे पहले क्या चीज शुरुआत मतलब किस चीज से शुरुआत की थी वहां पर, तो द 200 एंड 200 मीटर यानी कि 200 मीटर की रेस यानी कि दौड़, इज यानी है अबाउट यानी के बारे में, टू स्टार्ट यानी होने वाली थी यानी कि जो 200 मीटर की रेस थी वो स्टार्ट होने वाली थी सबसे पहले वो वहां पर वही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए,
हाउ मीन्स कैसे, मेनी यानी कई, गर्ल्स यानी लड़कियां, आर यानी है टेकिंग यानी ले रही है पार्ट यानी हिस्सा, इन यानी मे द रेस यानी रेस में, कितनी लड़कियां उस गेम में उस रेस में हिस्सा ले रही थी, तो सिक्स गर्ल यानी कि छह लड़कियां आर यानी है टेकिंग यानी ले रही थी पार्ट यानी हिस्सा, इन यानी मे द रेस में, दौड़ में छह लड़कियां हिस्सा ले रही थी। हाउ मेनी कार्ड्स था, कितनी, वाह यानी क्यों, डू यानी कि डू यानी करना होता है, डू मीन्स क्या भी होता है, गर्ल्स मीन्स लड़कियां फील यानी महसूस कर रही, डेट यानी कि मीना यानी मीना वुड नॉट विन, कि मीना नहीं जीत पाएगी, लड़कियां ऐसा क्यों महसूस कर रही थी कि मीना नहीं जीत पाएगी, तो आप सभी को पता है क्यों कर रही थी, मीना वाज मीना थी थीन यानी कि दुबली, थीन मीन्स दुबला होता है, एंड मीन्स और शॉर्ट मीन्स छोटी, मीना दुबली और छोटी थी, सो इसलिए दे यानी कि वे फेल्ट यानी महसूस कर रही थी दैट कि शी यानी वहां वुड नॉट विन, यानी कि वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो सब महसूस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु यानी कि कौन गिव्स यानी देता है द सिग्नल टू स्टार्ट यानी शुरू होने का द रेस यानी कि दौड़ को शुरू करने के लिए कौन सिग्नल देता है यानी संकेत देता है, सिग्नल कर दिया संकेत, द गेम्स टीचर यानी कि जो खेल के टीचर है अध्यापक है गिव्स यानी देते हैं द सिग्नल टू स्टार्ट यानी कि शुरू होने का जो संकेत है वो गेम्स टीचर देते हैं। छठा क्वेश्चन नंबर देखिए, हाउ मिस कैसे डज मीना मीना रन दौड़ी आल यानी सभी थ्रो द रेस, मीना मतलब पूरी रेस में वो कैसे दौड़ी, तो आप सभी को पता है बिल्कुल आराम आराम से दौड़ी वो धीरे धीरे, तो मीना रन दौड़ती है स्लोली यानी कि धीमी एंड मीन्स और स्टेडीली यानी लगातार, मीना लगातार और धीमी गति से दौड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, आप वर्ड यानी क्या, डू यू यानी कि तुम, यू यानी कि तुम करते हो, थिंक यानी सोचते हो, हेल्प एड यानी मदद, मीना मीना के बारे में मतलब सोच के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो मीनास मीना का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मीना का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मविश्वास, मीना का आत्मविश्वास इज यानी वर्ड यानी कि आई थिंक यानी कि मैं सोचता हूँ, हेल्प एड यानी मदद, हर यानी उसको जो उसका आत्मविश्वास था वही उसकी मदद कर रहा था। तो आपकी मैंने 7 क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दिए हैं, आप पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको लिख दो, और अगर आपको लेसन में कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक्स।